नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज टीवी का वायरल सेक्शन और मेरा नाम है मेघा। स्वागत करती हूँ आप सभी का। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई, किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस ठप हो गया। हरियाणा के फरीदाबाद में रहने वाले एक शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉकडाउन में उसका बिजनेस बंद हो गया, उसे सड़क के किनारे स्टॉल लगानी पड़ी, फिर भी वो अपनी जिंदगी से हार नहीं माना, हर चुनौती का सामना करता रहा। पिछले दिनों जतिन सिंह नाम के एक फूड ब्लॉगर ने इस कपल का वीडियो शेयर करा है जो सड़क के किनारे ठेले पर खाना बेचते हैं। पहले इस आदमी का प्रिंटिंग प्रेस था, लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद प्रेस बंद हो गई। कुछ वक्त तक नौकरी भी करी, लेकिन नौकरी में मिलने वाली सैलरी से उनका घर नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से पत्नी के साथ मिलकर सड़क के किनारे ठेले पर खाना बेचना शुरू किया। पति पत्नी राजमा चावल, कड़ी चावल बेचते हैं। ग्रीनफील्ड कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर इस कपल ने अपनी दुकान लगाई है और 40 रुपए प्लेट के हिसाब से खाना बेचते हैं। अगर आप भी कभी इस एरिया में जाएं तो इनका खाना जरूर टेस्ट करके आए। तो जी, इस वक्त हम फरीदाबाद के अंदर और यहाँ पे भाई क्यूट सा सेटअप अंकल आंटी ने लगा रखा है, बहुत बढ़िया सा। तो अंकल जी कैसे हो? बढ़िया बेटा, आप सुनाइए। बस बढ़िया। पहले मेरे को ये बताओ, मतलब आपने ये कैसे स्टार्ट किया? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम था। हाँ जी। और वो लॉकडाउन में पूरा डाउन हो गया। अच्छा। उसके बाद कुछ टाइम मैंने जॉब किया। हाँ जी। जॉब में थोड़ा की खर्चा वगैरह पूरा नहीं पड़ रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए हमने प्लान किया कि अपना ही कुछ करते हैं। अच्छा। हाथ में हुनर है, सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके करते हैं। तो भाई यहाँ लग रहे हैं अपने राजमा चावल, ये देखो ये आ गए चावल, और ये आ जाएंगे भाई राजमा, काफी ज्यादा गाढ़े गाढ़े राजमा आप देख सकते हो, ये देखो। और क्या क्या जाते हैं जी इसमें? और इसमें भी सलाद जाएगा मूली का, क्योंकि नवरात्रे हैं इसलिए मूली इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कौन सी है? चटनी धनिया पुदीना की है। ये भी घर पे ही बनाते हो आप? जी, होम मेड लग रहे हैं।